नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JV'n डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी विद्यापीठ होमोएस यूनिवर्सिटी। आवर टुडे टॉपिक इज अफोरिज्म 207 क्रॉनिक डिजीजेस। जैसा कि हम 2004 अफोरिज्म से क्रॉनिक डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि चार में डिवाइड किया तीन तरह क्रॉनिक डिजीज होती है, लेकिन टू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज होती है जो मेकैनिज्म से ऑरिजिन। What is saying in this aphorism that when the above information has been gained, it will remain for the homeopathic physician to ascertain what kinds of allopathic treatment had up to that day been adopted for the chronic disease, what conserving medicines had been chiefly and most frequently employed, also what mineral bath had been used and what effects these had produced. In order to understand in some measure the degeneration of the disease from its original state and where possible to correct in part these pernicious artificial alterations, or to enable him to avoid the employment of medicines that have already been improperly used. So, theme is फिजिशियन शुड टेक कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस। फिजिशियन को क्या करना है कि क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट ने अब तक लिया है उसकी पूरी जानकारी लेनी है। इसके अलावा जो लास्ट अफोरिज्म में हमने बात करी थी कि कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पास्ट इवेंट्स, इसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एंड एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बाथ टेकन बाय पेशेंट, इस तरह कोई पार्ट वार्ट भी लिया और मेंटल पार्ट वगैरह या कुछ भी। दिस हेल्प अस टू नो द सप्रेसिव ट्रीटमेंट। तो हमें इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि सप्रेशन कितना हो चुका है, कितने लॉन्ग टाइम इसने मेडिसिन ली है, कितना डीपर सप्रेशन हो चुका है। जितना डीपर सप्रेशन होगा उतना ही उस चीज को ठीक होने में टाइम लगेगा, डिफिकल्टीज आएगी, कई तरह की मेडिसिन एंटीनियाजमेटिक मेडिसिन को हमें देने की जरूरत पड़ेगी है? और हो सकता है एक नियाजम दूसरे नियाजम के साथ में मिक्सअप हो, कॉम्प्लिकेटेड मिक्स नियाजमेटिक, तो हमें डिफरेंट टाइप की एंटीनियाजमेटिक मेडिसिन देने की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज आवर 207 अफोरिज्म। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.